नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वक्त की बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ, यानी बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया, देश से बात किया गया, अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य के लगभग 300 करोड़ रुपया की सीधी बचत होगी। ठीक है, तो यही अपडेट निकल कर आ रही, तो बहुत बढ़िया ये अपडेट दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, हमेशा की तरह वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। फुल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, जो भी मेन बातें हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह 300 करोड़ रुपया की बचत होगी और उस पैसे से क्या काम होगा, सारी जानकारी हम बताएंगे। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो का तो आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहा है, जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रोसेसर की बात करते हैं, केकर पाठक जी है जो कि अपर मुख्य सचिव है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, यानी बिहार के 2800 जिला, यानी जो भी जिला पदाधिकारी है उनको ये नोटिफिकेशन जाता है। और साथ साथ देख सकते बताया गया विषय में 50% से कम छात्र उपस्थिति वाले विद्यालय में संबंध में नोटिफिकेशन रिलीज किया, यानी विषय में जानकारी दिया गया। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि बाप ये तो 50% जो भी स्टूडेंट नहीं जाते हैं उनको लेकर है, बल्कि ऐसा नहीं। आप वीडियो में बने रहेंगे तक सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब चलिए इस बात करते हैं, देख सकता आप अवगत है कि 1 जुलाई 2023 से अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित की गई थी, यानी कि इसको जो नियम लागू किया गया था 50% उपस्थिति का, 1 जुलाई 2023 से जो नियम लागू किया गया था, जो अनुश्रवण व्यवस्था की स्थापित की गई थी, इसके तहत विद्यालय के लगातार निरीक्षण हो रहा है। जुलाई 2023 से अब तक 50% से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों की संख्या लगातार कम हो रही है। ठीक है, यानी कि जिसमें स्टूडेंट सब 50% उपस्थित हो रहा है, उसके जो जनसंख्या है वो कम हो रही है, यानी अच्छा खासा उसमें बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किंतु अभी तक किंतु अभी लगभग 10% विद्यालय ऐसा है जहां छात्र उपस्थित 50% से कम है। ठीक है, यानी कि ये अपडेट है शिक्षा विभाग की तरफ से कि अभी 10% ऐसा विद्यालय है बिहार में जहां पे 50% भी उपस्थिति नहीं हो पा रही है बच्चे सबका, यानी पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं। तो इसका क्या बात है, क्या कारण हो सकता है, क्या कितना चिंताजनक बात है, तो इसमें बात किया गया है और नया कंडीशन भी जोड़ा गया है कि उस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट सब 50% जरूर उपस्थित होंगे, इसमें बात किया गया। जैसे तथा अब वक्त आ गया है कि एक एक विद्यालय में RDDM DO DPO को, ये जो भी एक पदाधिकारी का नाम है शॉर्ट नेम दिया गया RDO DO DPO को इंटरव्यू कराना होगा और हर एक छात्र छात्राओं से उनके अभिभावक से बातचीत करनी होगी। ठीक है, यानी कि अब वक्त आ गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि उपाधिकारी रखेंगे जो कि इंटरव्यू कराएंगे उनको, और साथ साथ छात्र जो भी लड़के लड़के जाते हैं स्कूल में कॉलेज में उनके माता पिता यानी अभिभावक से भी बात करनी होगी। इस समस्या का बहुत ही चरणबद्ध तरीके से काम करते हुए निम्नलिखित कदम उठाना होगा, यानी उनसे ये अधिकारी जो है पूछेंगे किन कारणों से आपका बच्चा है जो लड़का लड़के जो नहीं जा रहे हैं स्कूल, कोई कारण बताइए, ताकि लोग सरकार को मालूम चल सके कि हाँ इस कारण से मतलब बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल में, या छात्र मतलब टीचर वगैरह नहीं आ रहे हैं या अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं है, ताकि कुछ बताएंगे तो अभी तो सरकार को मालूम चल सकेगी, ताकि उस पर ठोस कोई कदम उठाए। तो ये देख सकते हैं RDO DO DPO को इंटरव्यू कराने के बाद छात्र छात्राओं को उनके अभिभावक से बातचीत करनी होगी। इस समस्या बहुत ही क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से काम करते हुए निम्नलिखित कदम उठाना होंगे। साथ साथ देख सकते क और ख में बताया गया, क में बताया गया, देख सकते क में अपने जिले के DOM सभी DPO के 5-5 विद्यालय अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, जो भी जिले हैं बिहार के 29 जिले में और प्रत्येक DO के अंदर से DO और DPO को 5-5 विद्यालय सेलेक्ट किया जाएगा, यानी अडॉप्ट कराने के लिए कहा जाए। जिस DPO को कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ छात्र उपस्थिति 50% से कम है, तो उसे कार्य क्षेत्र से बाहर भी का विद्यालय दिया जाए। ठीक है, यानी कि ऐसा विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी जिले में DO है उनको 5-5 विद्यालय अडॉप्ट कराएं, ताकि उस विद्यालय में जाकर वो चेक करें कि 50% से कम उपस्थिति हो रही है बच्चे सबका या ऊपर है। अगर उसके उनके क्षेत्र में अगर ऐसा विद्यालय कोई आता नहीं है तो अलग ही क्षेत्र में वो विद्यालय में जाए और वहां पे पता करें, जहां छात्र उपस्थित 50% से कम है तो उस क्षेत्र से बाहर का भी विद्यालय जो है आप वहां पर जाएं और पता करें। और इन एडॉप्ट किए हुए विद्यालयों में ये पदाधिकारी लगातार प्रतिदिन जाए, हर एक छात्र है उनके अभिभावक से बातचीत करें, जो छात्र 3 दिन लगातार अनुपस्थित है उसे प्रधानाध्यापक नोटिस दे। ठीक है, यानी कि जो भी ये DPO है वो जाए स्टूडेंट से भी बात करें, उनके अभिभावक से यानी जो भी माता पिता उनके स्टूडेंट के हैं उनसे भी बात करें कि किन कारणों से आपका बच्चा या आपका लड़का लड़की स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई कारण बताइए। अगर स्टूडेंट यानी कि 3 दिन नहीं आता है, यानी छात्र जो 3 दिन लगातार अनुपस्थित रहता है स्कूल में नहीं आता है,
तो उसे प्रधानाध्यापक जो भी है स्कूल के टीचर उसे नोटिस भेजे उनके घर पर, और अगर ऐसा नहीं तो 15 दिन लगातार अनुपस्थित रहता है तो छात्र का नामांकन भी रद्द कर दिया जाए। ठीक है, नामांकन भी रद्द कर दिया जाएगा, इसमें बात किया गया है, यानी कि कंडीशन रखा गया है ताकि इसे भी फॉलो करके स्टूडेंट सब आए और स्कूल में पढ़े, बात किया गया है, यानी कि उसे प्रधानाध्यापक नोटिस दे अगर 15 दिन नहीं आता है तो उन्हें जो भी नामांकन है वो रद्द भी कर दिया जाए। अब ख में बात किया गया, देख सकते हर एक छात्र को ट्रैकिंग की जाए और यह देखा जाए कि वह कहीं एक एक ही साथ दो विद्यालय में तो नहीं पढ़ रहा है। यानी बहुत से ऐसा होता है कि बहुत से लोग गांव में देखे होंगे आप अक्सर, अगर अमीर थोड़ा होते हैं तो क्या करते हैं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो भी सरकारी पैसा है ड्रेस का, साइकिल का, पोशाक का, वो मिल सके, और प्राइवेट स्कूल में अपना डेली जाते हैं। तो देख सकते हर एक छात्र को ट्रैकिंग की जाए, यह देखा जाए कि वह कहीं एक ही साथ दो विद्यालय में तो नहीं पढ़ रहा है। ऐसे छात्र नाम काटने के डर से लगातार 15 दिन अनुपस्थित रह जाते हैं, यानी कि इसी डर से जो भी स्टूडेंट है 15 दिन तक नहीं आते हैं, 20 दिन तक नहीं आते, जो भी सरकारी स्कूल है जिसमें नाम भी लिखाए होंगे और प्राइवेट में भी नाम लिखा है, लेकिन प्राइवेट में जाते हैं पर डे, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं ताकि, और 2-3 दिन चले जाते हैं ताकि उसमें उनका नाम चलता रहे, कटा नहीं। तो देख सकते इसी के छात्र के नाम काटने के डर से 15 दिन अनुपस्थित नहीं रहते और बीच बीच में हमारे विद्यालय में आते रहते हैं। ऐसा होता है कंडीशन, आप सभी को पता होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि डीपीटी प्राप्त करने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं ने केवल सरकारी विद्यालय में दाखिला ले लिया है, जबकि वह जिले के अथवा जिले के बाहर के निजी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यानी बात वही आ गया जो हम आपको पहले ही बता दें, यानी सरकारी पैसे के लिए स्टूडेंट सब नाम लिखा देते हैं ताकि उसमें सरकारी पैसे का लाभ भी मिल सके और हम प्राइवेट में पढ़कर अच्छा इंसान भी बन जाए, तो यही बात किया गया है। जबकि यह जिला के अथवा बिहार के जिले के निजी जो विद्यालय प्राइवेट स्कूल में रखकर पढ़ाई करते हैं, तो कुछ छात्र का तो राज्य के बाहर कोटा इत्यादि में भी रहने की सूचना है। अतः ऐसे हर एक मामले में चाइल्ड ट्रैकिंग की जाए और इस तरह के छात्रों को नामांकन रद्द किया जाए जो केवल डीबीटी के उद्देश्य से सरकारी विद्यालय में जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष राज्य के सरकारी भातावादी की योजना के तहत लगभग 3,000 करोड़ की डीबीटी सहायता देती है। यदि ऐसे 10% छात्रों का नामांकन रद्द किया जाए तो डीबीटी के उद्देश्य से यह नामांकित और पढ़ते कहीं और तो रहते कहीं और, तो राज्य को लगभग 300 करोड़ रुपया की सीधी बचत होगी। ठीक है, और सरकार ऐसा अनुमान लगाती है कि बिहार में अगर ऐसा अगर बच्चा रहता है जिसमें 10% अगर नाम कट जाए, जो भी ऐसा लड़का लड़के पाए जाते हैं ताकि सरकारी स्कूल में भी रहकर पढ़ते हैं और प्राइवेट में भी पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में केवल जो भी डीबीटी का यानी सरकारी पोशाक पैसा और साइकिल पैसे का लाभ लेने के लिए पढ़ते हैं, तो इनको हटा दिया जाए, वहीं पर 10% अगर बच्चे हट जाएंगे तो उनका सरकार को 300 करोड़ रुपया की सीधी बचत होगी ताकि वो गरीबों को मिल सके। तो यही अपडेट है, तो आप क्या कहते हैं अपडेट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेगा। और देख सकते कम बताएगा जिला मुख्यालय को आरडीओ को भी अनुरोध किया जाए कि वो 5 विद्यालय को अडॉप्ट करें। ठीक है, ये बात किया गया और इस हेतु स्थानीय अखबार केवल टीवी रेडियो चैनल पर भी प्रचार प्रसार किया जाए ताकि छात्र छात्रा उनके अभिभावकों विभाग के इस प्रयास को गंभीरता से लें, यानी कि सरकार कह रही है कि आप इस जो भी कंडीशन है गंभीरता से लें। अब देखते हैं आपका राय क्या है, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत से लोगों का कमेंट है कि सर स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, ये वो, मतलब हर एक प्रकार का लोगों का कमेंट है, तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट करिए ताकि कमेंट के माध्यम से हम नेक्स्ट वीडियो बना दें इस टॉपिक पे, ताकि सरकार के पास से वीडियो जाएगी।